नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनम गुप्ता है और आज के इस ऑटोमेशन वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज के इस ऑटोमेशन वीडियो में मैं ऑटोमेटिक आटा गूंथने की मशीन लेकर आई हूँ जो कि यूएसए में बनाई गई है। यह बहुत ही अच्छी क्वालिटी के परफॉर्मेंस देता है और यह इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है। यह मशीन इन रेस्टोरेंट में, बैंक्वेट हॉल में एंड होटल्स में यूज होते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में आटे की चीजें यूज की जाती है, वहाँ पे इस मशीन का यूज करते हैं। यह मशीन बहुत ही अच्छा वर्क परफॉर्मेंस देता है, बट इन वर्किंग कंडीशन में इसमें कई प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है, जैसे ड्राइव में प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम या कंट्रोल कार्ड में भी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे ही आज एक ऑटोमेटिक आटा गूंथने की मशीन हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आई है। यह ऑटोमेटिक आटा गूंथने की मशीन हमारे पास कुछ प्रॉब्लम में आई हुई है, जिसमें हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर ड्राइव में प्रॉब्लम थी और कंट्रोल कार्ड में प्रॉब्लम थी। चलिए आप लोगों को हम आटा गूंथने की मशीन को दिखाते हैं। आइए ऑटोमेटिक मशीन को हम दिखाते हैं। ये है ऑटोमेटिक आटा गूंथने की मशीन। इसमें पहले सूजी की ड्राइव लगी हुई थी और कंट्रोल कार्ड लगा हुआ था। इसको रिप्लेस करके हमने डेल्टा की ड्राइव लगाया है और कंट्रोल कार्ड लगाया है। ड्राइव है जिसमें हमने प्रॉपर प्रोग्रामिंग कर लिया है, वायरिंग कर लिया है और अब ये प्रॉपर वर्क कर लिया है, कर रहा है। आइए हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। ये स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन को प्रेस करने पर हमारा ऑटोमेटिक आटा गूंथने की मशीन चल देगी। ये हमारा स्पीड पोर्ट है जिसके थ्रू हम स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हैं। स्पीड बढ़ा दिया है और आप देख रहे होंगे कि अब ये कितना तेजी से घूम रहा है। यहाँ पे एक डिस्प्ले लगा हुआ है जिससे फ्रिक्वेंसी शो करती है और ये स्टॉप बटन है। अगर हमको स्टॉप करना है तो हम स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे और मोटर स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे हम आटा गूंथने के लिए पॉट रखते हैं, बर्तन रखते हैं जिसमें आटा हम गूंथने के लिए आटा और पानी रखते हैं। इसके बाद इस हैंडल को हम नीचे करके और बर्तन के पॉट को हम ऊपर कर देते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ स्टार्ट बटन जो लगा हुआ है, इस स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं और आप देख रहे होंगे ये वर्किंग कंडीशन में आ गया है। इस पॉट के थ्रू हम इसकी स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको स्टॉप करना है तो स्टॉप बटन से आप प्रेस भी करके स्टॉप कर सकते हैं। इस मशीन में दो सेफ्टी स्विच लगा होता है जो कि मैग्नेटिक स्विच होता है। पॉट में लगा हुआ मैग्नेट इस मैग्नेटिक स्विच से डिटेक्ट करता है इन केस अगर पॉट कहीं जरा सा इधर उधर हो जाए तो ये मैग्नेटिक डिटेक्ट करना बंद कर देगा और मशीन इन बंद हो जाएगा, जिससे मशीन में कोई भी फॉल्ट नहीं आएगा। ये हम इस मैग्नेटिक स्विच को दिखाते हैं। आप देखेंगे कि ये मैग्नेटिक स्विच निकालने पे मैग्नेट हमारा मोटर बंद हो गया है एंड अगेन लगाने पे मोटर स्टार्ट करने पे मोटर स्टार्ट हो गया है। मशीन के अंदर हमने डेल्टा की ड्राइव और कंट्रोल कार्ड लगा के परफेक्टली टेस्ट कर लिया है। थैंक यू, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।